हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और एक बटन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो फिर लॉग इन वाले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है, ठीक है। और ऊपर भी इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जैसे लॉग इन है, अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो रजिस्टर लिख के आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बनाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तीन फाइल बना के रखे, project.css, project.html और project.js, ठीक है। तो हम project.html में आ जाते हैं, उसके बाद बुलेट प्रिंट लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हेडर के अंदर टाइटल के नीचे CSS को लिंक कर लेंगे, ठीक है। लिंक project.css, और बॉडी के नीचे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+2 से इसके बाद हम एक डिफ बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे कंटेनर, के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे बॉक्स, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर हम एक H2 लिखेंगे सबसे पहले, और हम इसे एक ID दे देंगे, ठीक है, ताकि हम इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका हेडर चेंज कर सके, ठीक है। हम इसे ID दे देंगे हेड, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा लॉगिन, ठीक है। उसके बाद हम दो बटन बनाएंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऑन क्लिक करके एक फंक्शन चलाएंगे, आपको पता होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक करके, तो हम फंक्शन अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। पहले वाले को हम लॉगिन दे देंगे, और ये दूसरे बारे को हम रजिस्टर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक एक क्लास देंगे, ठीक है। क्लास पहले तो हम सेम BTN देंगे, उसके बाद एक और क्लास देंगे BTN1, और हम नीचे वाले को दे देंगे BTN और BTN2 करके, ठीक है। आपको पता होगा हम लोग क्लास में दो क्लास दे सकते हैं एक ही बार लेके, एक BTN से भी हम टारगेट कर सकते हैं इस बटन को, और BTN1 से भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, CSS में और चाहे JavaScript में, BTN और दूसरा है BTN2, ठीक है। Ctrl+2 save। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे लॉगिन, और यहाँ पे लिख देंगे हम रजिस्टर, Ctrl+2 save। इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे पेज डॉट, इस टिप के अंदर हमारा लॉगिन का पेज और रजिस्टर का पेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हम दो डिप बनाएंगे, ठीक है। दोनों को हम क्लास तो सेम देंगे, पर आईडी हम डिफरेंट देंगे, क्लास हम दोनों को क्या देंगे लॉगिन, दो आ गए, ठीक है। इसके बाद हम आईडी से इंडिविजुअली टारगेट करेंगे, ठीक है। आईडी मैं ऐसे दे दूंगा लॉगिन, और इसे मैं दे दूंगा रजिस्टर, कंट्रोल, ये बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया, मैंने कंट्रोल की दबा दिया, कंट्रोल सी करूंगा मैं इसे, यहाँ पे कंट्रोल बी और Ctrl+2 save, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉगिन में इनपुट डाल के पहले हम इसे जो जो चाहिए फॉर्म में क्या क्या होगा यहाँ पे क्या क्या है वो सब हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन वाले चीज को पहले करके हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, उसके बाद एक एंकर टैग, उसके बाद एक बटन और एक मैसेज, ठीक है। तो हम पहले लॉगिन को डिजाइन कर लेंगे, मतलब उसमें जो जो चाहिए वो डाल लेंगे, उसके बाद हम रजिस्टर में डालेंगे, ठीक है। रजिस्टर में क्या क्या है, एक तीन इनपुट है, एक बटन है, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट
इसका टाइप हम टैक्सी रहने देंगे, इसे हम प्लेस होल्डर दे देंगे ईमेल, ईमेल एड्रेस, और सेम थिंग हम कॉपी कर लेंगे फॉर पासवर्ड, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम इक्वल टू पासवर्ड, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर में पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। अगर मैं बता दूं, अगर आपको प्लेस होल्डर का मतलब नहीं पता, तो प्लेस होल्डर क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे अंदर पे आ रहा है ना बॉक्स के अंदर ईमेल एड्रेस, अगर मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँ तो वो हट जा रहा है, और जैसे मैं इसे बैक स्पेस से क्लियर कर दूँ तो उसके बाद दिख रहा है ना ईमेल एड्रेस पासवर्ड, तो अगर आप प्लेस होल्डर में जो भी दोगे वो दिखेगा, ठीक है। प्लेस होल्डर यही काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें एक एंकर टैग बनाना है, एंकर टैग हम ए की मदद से बनाएंगे, और इसमें लिंक एचआरएफ हम कुछ नहीं हैश कर देंगे, और इसमें हम लिखेंगे फॉरवर्ड पासवर्ड, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, बटन इसमें हमें लॉग इन लिखना है। इसके बाद हमें पी टैग के अंदर छोटा सा मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये मैसेज हम लिखेंगे, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एक और एंकर टैग डालेंगे, एंकर टैग डालेंगे और एचआरएफ में हम हैश कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ, कंट्रोल एस टू सेव, दैट्स इट। तो हमारा फॉर्म का पहले लॉगिन वाला पेज, हमारा सब कुछ जो जो चाहिए इनपुट जितना चाहिए वो एंकर टैग हो गया, बटन हो गया, और लास्ट में जो मैसेज था वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन डिव बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ ये दोनों, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो इसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बट यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं क्या करूंगा, यूजर नेम करूंगा, ठीक है, यूजर नेम, कंट्रोल एस टू सेव, ये मैं रहने दूंगा, पासवर्ड हमें चाहिए, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे हटा दूंगा, तो ठीक है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये तीन हो गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लास्ट वन एक बटन चाहिए, ठीक है, तो बटन कर देते हैं यहाँ पे रजिस्टर, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में CSS लिखेंगे, तो चलते हैं अपने CSS फोल्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CSS रीसेट करते हैं। CSS रीसेट मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है, CSS रीसेट वो होता है जो बाय डिफॉल्ट पेज में मार्जिन और पैडिंग होता है वो हटा देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एम जीरो एंड पी जीरो, एम मतलब मार्जिन टॉप बॉटम से जो बाय डिफॉल्ट है वो जीरो कर दे, और पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट है वो जीरो कर दे। हम ये CSS रीसेट कैसे करते, स्टार लगा के, ठीक है, स्टार लगा के उसके बाद हम सेमी कॉलम खोलते, सेमी कॉलम बोल रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर को विड्थ हाइट देंगे, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, डॉट। तो सबसे पहले मैं इसे विड्थ दे दूंगा 100%, हाइट में दे दूंगा इसे 100 VH, और बैकग्राउंड कलर में इसे दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा ट्रांसलेट एक्स वाई दोनों में, तो और मैं इसे बैकग्राउंड कलर व्हाइट 480 480 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स के अंदर जो एच टू है मैं यहां पे दिखा रहा हूं, सेव, बॉक्स के अंदर जो ये सब पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव डॉट, बॉक्स के अंदर जो ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा,
ओवरफ्लो है। सबसे पहले मैं हम इसे मार्जिन में से पैटर्न कलर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। मैं लेफ्ट फाइल को ऑटो कंट्रोल एस टू से बाहर हूं। अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स के अंदर जो एस का मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, बॉक्स के अंदर जो ये एस टू है इसका हम कर देंगे सिलार्स, और इसे हम फॉन्ट टाइम्स के अंदर जो टू बना लेंगे। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे, फॉन्ट फैमिली क्या होता है गाइस, फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देता है, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम पेज का डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, दैट्स इट। हमें पेज का क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेज के अंदर दो डिव है, ठीक है। तो एक दूसरे के नीचे आएंगे तो हमें लेफ्ट और राइट में चाहिए ना बॉक्सेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट पेज डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे मैं पेज का स्पेलिंग देख लूँ, पीएच यू पेज, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे बटन को, डॉट बीटीएन को, कौन से बीटीएन को, ये वाले बीटीएन को, ठीक है। डॉट बीटीएन, तो हम इसे पैटर्न दे देंगे, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 55 पिक्सल। उसके बाद हम इसे मार्जिन भी देंगे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हम इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर कंट्रोल एस टू सेव, दैट्स इट। अब हमें बीटीएन 1 को टारगेट करना है। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे इसीलिए दो आईडी ए क्लास दिया था, ठीक है, बीटीएन और बीटीएन 1। यहाँ पे भी देख सकते हो बीटीएन, बीटीएन 2, ठीक है। .btn1 color white, ये कब होगा इसका color white, btn color white, ये JavaScript से add होगा, ठीक है। ये class में अभी ये add नहीं होगा, ठीक है, ये class JavaScript से हम add करेंगे, ठीक है। उसमें वो जब मैं JavaScript लिखूंगा तब मैं आपको clear हो जाएगा, ठीक है। अब हम target करेंगे login.login वाले को, ठीक है। हेलो जी, आई एम लॉगिन। यहाँ पे हमने दोनों डिप को, पेज के अंदर जो डिप है उसे हमने क्लास लॉगिन दिया है ना, हेलो जी आई एम लॉगिन, ठीक है। तो हम उसे ही टारगेट कर ले, डॉट लॉगिन। तो सबसे पहले हम इन दोनों का वेट सेट कर देंगे 90%, ठीक है। मार्जिन दे देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 3-3.5 पिक्सल का, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद हम इसका पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, और हम इसमें एक ट्रांजेक्शन लगा देंगे, ट्रांजेक्शन ऑल 1 सेकेंड का, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन जावास्क्रिप्ट जब क्लिक करेगा बटन पे तो स्लोली ये लेफ्ट और राइट से आएगा, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन के अंदर, डॉट लॉगिन, लॉगिन के अंदर जो इनपुट है हम उसे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे वेट देंगे 260 पिक्सल, हाइट देंगे हम इसे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। मार्जिन देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल। उसके बाद हम इसका आउटलाइन कर देंगे नन, आउटलाइन टू सेव। अब हम लॉगिन के अंदर जो एंकर टैग है, यहाँ पे लॉगिन के अंदर ये एंकर टैग है ना, हम इसे टारगेट करेंगे, ठीक है। डॉट लॉगिन के अंदर एंकर टैग, ये एंकर टैग तो बाय डिफॉल्ट एक ही में है ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे, अगर इसमें भी एक एंकर टैग होता तो हम आईडी से टारगेट करते, ठीक है। तो अभी एक ही है इसीलिए हम डायरेक्ट क्लास से टारगेट कर सकते हैं। तो हम इसे मार्जिन देंगे
टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम लॉगिन के अंदर जो बटन है हम उसे टारगेट करते हैं, ठीक है। डॉट लॉगिन के अंदर जो बटन है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए। लॉगिन के अंदर ये एक बटन है और दूसरा ये एक बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका विड्थ सेट कर देंगे, विड्थ हम इसे देंगे 290 पिक्सल और फिर हम इसे हाइट देंगे 40 पिक्सल, मार्जिन देंगे हम इसे टॉप बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 7 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव दैट्स इट। अब लॉगिन के अंदर एक पैराग्राफ है, आपको याद होगा ये रहा जो छोटा सा मैसेज है, नॉट अ मेंबर रजिस्टर नाउ, ठीक है। हम इसे टारगेट करते हैं नॉट लॉगिन के अंदर जो पी है हमें बस इसे मार्जिन देना है और कुछ नहीं, ठीक है। हम टॉप बॉटम से इसे -10 पिक्सल देंगे और लेफ्ट राइट से हम इसे देंगे 50 पिक्सल। वैसे आपको याद होगा हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं मार्जिन पैडिंग, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम टारगेट करते हैं रजिस्टर को विद द हेल्प ऑफ आईडी, तो गिव आईडी नो देन कॉपी इट एंड कंट्रोल वी आईडी, ठीक है। आईडी से हम लोग टारगेट करते हैं रजिस्टर को, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हमें कैसे करना है, एक्स नहीं एक्स में करना है, हमें लेफ्ट 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 हटाना है ना, इसीलिए हम एक्स में, अगर ऊपर से लाना होता तो हम वाई करते, ठीक है। तो हमें एक्स लेफ्ट से हटाना है, लेफ्ट में धकेलना है, ठीक है, तो हम करेंगे एक्स ट्रांसलेट एक्स -400 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। अब हम रजिस्टर के अंदर जो बटन है हम उसे टारगेट करेंगे, हमें बस इतना ही करना है रजिस्टर के अंदर, वो सब जो हमें डिजाइन करना था, विड्थ हाइट देना था, हमने एक क्लास दिया है ना लॉगिन, उसका इनपुट से टारगेट कर लिया, उसका रजिस्टर वाले इनपुट उसमें जितने हैं वो सब आ गया उसी में, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर जो बटन है, तो सबसे पहले हम इसे देंगे मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 7 पिक्सल, उसके बाद हम बॉर्डर कर देंगे नन नन, आउटलाइन भी नन, उसके बाद हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड, उसके बाद हम कलर कर देंगे व्हाइट, कलर व्हाइट, और हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर कंट्रोल एस टू सेव। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें सेम थिंग लॉगिन वाले बटन पे करना है, ठीक है। हम उसे कैसे टारगेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आईडी, आईडी हमने लॉगिन दिया है ना, लॉगिन, ठीक है, कंट्रोल वी। हमें क्या करना है, हमें ये कॉपी कर लेना है, ठीक है, मार्जिन नहीं देना है हमें, ठीक है, हमें मार्जिन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर नन आउटलाइन नन, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ब्लू, कंट्रोल एस टू सेव, कलर व्हाइट, कर्सर पॉइंटर दे दिया। अब हमारा सी एस एस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं डिजाइन प्रॉपरली हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है, हमारा एंकर टैग शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं, ठीक है, हमें ये कम करना पड़ेगा, हाँ ये कम करना पड़ेगा, ठीक है, 53 हमें यहाँ पे बटन का जो बटन है BTN, हमें उसमें क्या करना है, हमें मार्जिन कम देना है, हमें उसमें पैडिंग हमें 53 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये सबसे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका बस बटन का
जो यहाँ पे BTN, हम यहाँ पे सर देख लेते हैं BTN, ये रहा BTN 53 कर देते हैं, हम इसे कर देंगे 53 कंट्रोल एस टू सेव। अगर अब मैं देखो चेक करूँ, हाँ तो सही है, ठीक है, इसमें अभी बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर, अच्छा यहाँ पे मैंने बॉर्डर नन करना पड़ेगा, बॉर्डर नन कंट्रोल एस टू सेव, नहीं आना चाहिए बॉर्डर, यस बॉर्डर हट चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 55 करके देखूँ तो अभी सही है, अभी नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे BTN के अंदर टैक्स मैंने गलत लिखा है, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। तो अब हमारा पेज एकदम परफेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, हाँ सेम पेज दिख रहा है ना। यहाँ पे लॉगिन लॉगिन का कलर चेंज नहीं हुआ है, वो हम क्या करेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। और इसका कलर भी अभी नहीं दिख रहा है, वो भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने JS फाइल में और वहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट पेज वन करके, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे हम आईडी लॉगिन, लॉगिन ही है ना, लॉगिन, ठीक है, एक आ गया, लॉगिन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BTN लेके आएंगे, उसके बाद लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर रहे हैं, ठीक है, हमें दोनों बटन चाहिए इसीलिए। तो डबल कोट्स ऑन द BTN, आपको डॉट करके देना है, ठीक है, क्लास का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर हम क्लास से सिलेक्ट करेंगे तो डॉट BTN करके देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके आएंगे H2 को, ये वाले H2 को, ठीक है। हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें पेज वन मिला, पेज वन में हमने क्या लेके आया, लॉगिन वाले पेज को, अभी सिर्फ हम लॉगिन वाले पेज को लेके आए, रजिस्टर को नहीं, लॉगिन वाले पेज आ गया, ठीक है, दोनों बटन आ गए, क्वेरी सिलेक्टर से हमने BTN से सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये H2 लाना है क्योंकि हमें इसका भी तो टेक्स्ट चेंज करना है इसीलिए, ठीक है। तो लेट हेडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हमने आईडी क्या देते हैं, हेड हेड ही दिया था ना, आईडी चेक कर लेते हैं, हाँ हेड दिया, ठीक है। तो अब हेड भी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे मैं हमने ऑन क्लिक करके फंक्शन बनाया है दोनों बटन में, लॉग इन रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन और कंट्रोल वी कर दूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगा फंक्शन। तो पेज, तो ऐसा करते हैं, पेज वन ही अभी आया है तो हम पेज टू को भी लेके आते हैं, नहीं तो पहले पेज वन ही करते हैं, पेज वन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इसके बाद इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ट्रांसलेट TRANSLATEL ट्रांसलेट, इसमें करना है एक्स में, ये कोड मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है गाइस, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, लाइन बाय लाइन में आपको समझा दूंगा, ठीक है। माइनस 200 पिक्सल से हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पेज टू को करना है, ठीक है, कंट्रोल टू पेज टू कंट्रोल एस टू सेव, ये हुआ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्वेरी सिलेक्टर यूज किया है बटन के अंदर इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 0 दे दिया, तो 0 किसका होगा, लॉगिन का, पहले वाले का 0 इंडेक्स नंबर और इसका 1, ठीक है, तो इसका 0 हो गया। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड एंडिंग ग्राउंड कलर इज इक्वल टू अंडरस्कोर के अंदर ब्लू, ठीक है,
बाय डिफॉल्ट इसका ब्लू रहेगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम हेडर को टारगेट करेंगे, हेडर, ठीक है जी, हेडर डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर इज इक्वल टू डबल कोट में हम इसे कर देंगे ब्लू, ठीक है। यहाँ पे ब्लू का स्पेलिंग कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन में जो पेज टू लिखा है उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बटन जो जिसका बटन इंडेक्स नंबर जीरो है, ठीक है, उसमें हम स्टाइल करेंगे, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देंगे, ठीक है, कॉमा कंट्रोल एस टू सेव। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, फॉरवर्ड पेस्ट करूंगा। अब मैं बटन दूसरा जो है जिसका एक btn1 जो लॉगिन वाला है वो, उसके बाद जो रजिस्टर का बटन है उसमें इंडेक्स नंबर कितना आएगा, वन, ठीक है। लॉगिन का इंडेक्स नंबर जीरो, इसका इंडेक्स नंबर वन, ठीक है। तो इसका हमें कलर करना है व्हाइट, बैकग्राउंड कलर हमें व्हाइट करना है, ठीक है। इसके बाद हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे बटन के अंदर, ठीक है। बटन इसका इंडेक्स नंबर है जीरो डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, इसका हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है, सेमी कॉलन, और हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल बी, इसका हमें इंडेक्स नंबर कर देना है व्हाइट ए वन, और इसका कलर हमें क्या करना है, इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडर का इनर टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है, हेडर डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम इसमें लिख देंगे लॉग इन कॉलम, और हेडर का हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, हेडर डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे सबसे पहले एक पेज टू बनाएंगे, ठीक है, लेट पेज टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी क्या दिया, हमने आईडी रजिस्टर दिया, ठीक है, register रजिस्टर, यहाँ पे सेमी कॉलम, और हम ये कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए फंक्शन लिखा है हमें यही कॉपी करके और इसमें चेंज करना है सिर्फ प्रॉपर्टी सब, कंट्रोल वी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, रजिस्टर, तो रजिस्टर, ठीक है, इसमें ट्रांसफर एक्स रहेगा और ये जो पेज वन है वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे हमें पेज वन की जगह कर देना है पेज टू, और यहाँ पे हमें पेज वन कर देना है, ठीक है, पेज वन, कंट्रोल एस टू सेव, और इसे एक्स में है पर नेगेटिव में नहीं, हमें पॉजिटिव में देना है, ठीक है, 400 पिक्सल, दैट्स इट, पेज वन और पेज टू ठीक हो गया, ठीक है। अब जो जीरो है उसे हमें कर देना है वन, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, हम बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है, ठीक है, रेड, कंट्रोल एस टू सेव। अब जो हमारा ऑलरेडी इसमें वन था उसे हमें कर देना है जीरो इंडेक्स नंबर, और बैकग्राउंड कलर हमें व्हाइट रहने देना है, ठीक है। इसके बाद हम बटन का कलर चेंज करेंगे, जो बटन का इंडेक्स जीरो था ऊपर लॉगिन वाले में उसे हम कर देंगे वन, और उसका हमें कलर क्या करना है, हमें व्हाइट करना है, तो ऑलरेडी व्हाइट है यहाँ पे भी यहाँ पे, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर जीरो है उसका हमें कलर क्या करना है, ब्लैक, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हेडर है, हेडर का इनर टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो लॉगिन की जगह हम कर देंगे रजिस्टर, कंट्रोल एस टू सेव, और हमें कलर क्या करना है, हेडर का रेड, ठीक है, रेड,
कंट्रोल एस टू सेव। अब हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने पेज पे। तो ये पेज, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देख सकते हो गाइस ये परफेक्टली चेंज हो गया है। यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यहाँ पे ऊपर का टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, बटन का कलर भी चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं लॉग इन पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन पे भी चेंज हो रहा है, ऊपर का टेक्स्ट चेंज हो रहा है, पूरा फॉर्म चेंज हो रहा है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड आया है, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है वो भी आया है। यहाँ पे लॉग इन पे देख सकते हो इसका कलर व्हाइट हो चुका है, बटन का कलर ब्लू हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।